following questions. Question number 15. Root 12 plus root 3 is rational. Root 12 plus root 3 the whole square is rational. इसको प्रूव करना है. Root 12 plus root 3 the whole square. ये a plus b the whole square का फॉर्मेट बन जाता है. a square plus b square plus 2ab. Root 12 का square 12. Root 3 का square 3. Plus, अब 2 root 12 की बात करें. So, 12 का अगर मैं prime factorization करूं. 2 6 the 12. 2 3 the 6. 3 1 the 3. यानी कि 12 क्या मिलता है? 2 into 2 into 3. अगर मैं root of 12 की बात करूं, so 2 के लिए 1 2 ले लेंगे, और जहां पर 3 अकेला बचता है, वहां पर ये root 3 ले लेंगे. So इसमें अगर root 12 में यहां पर root 3 का multiply हो रहा है, अगर इसमें मैं root 3 का multiply कर दूं, दोनों जगह पर, so देखिएगा ये value क्या बन जाएगी? यानी कि ये 2 into root 3 into root 3, so 2 into 3, यानी कि root 3 into root 12, root of 3 into 12, यानी कि root of 36, जो कि बन जाएगा हमारा 6, so 2 into 6, ये बन जाएगा 12 plus 3, 15, और 2 6 the 12, that is equal to 27. यानी कि root of 12 plus root of 3 का whole square is rational. Coming to the next part, there are infinite rational numbers between any two given integers. किसी भी दो integers के बीच में कई सारे rational numbers हो सकते हैं. Let us say the integers are 5 and 6. अब इस 5 और 6 के बीच में, ये 0, ये 5, ये 6, ये number line है. 5 और 6 के बीच में कई सारे rational numbers lie करते हैं. This is exactly true. किसी भी दो integers के बीच में कई सारे rational numbers lie करेंगे. किस तरीके से prove कर सकते हैं? Either you can multiply and divide it with 11 या किसी भी number से कर सकते हैं. यहां पर ये बन जाएगा 5 upon 11, 66 upon 11. इसके बीच के rational numbers 56 upon 11, 57 upon 11 and up to 65 upon 11, so on. या फिर इसको find करने का एक और तरीका है, to prove it, mean ले लेंगे हम दोनों का, 5 plus 6 upon 2, that is equal to 11 upon 2, ये हमारा एक इसके बीच में rational number find हो गया, अब इन दोनों का mean ले लेंगे, 5 plus 11 upon 2, इसका मीन ले लेंगे क्या हो जाएगा 10 plus 11 upon 2 divided by 2 21 upon 4 इस तरीके से आप कितने भी मीन लेते जाएंगे वो आपको उसके बीच में रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे या जब आप 55 upon 11 कर रहे थे और 66 upon 11 कर रहे थे सब आप इसको आगे और 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फिर आपको इनफाइनाइट numbers मिल जाएंगे किसी भी दो integers के बीच में infinite rational numbers. Third part की बात करते हैं. Any integer can be written in the form of p upon q. Let us say an integer is minus 13, an integer is minus 15, and another integer 27, another integer 1024. अगर मैं सबको upon 1 करके लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर्स एग्जैक्टली वही रहेंगे मैंने सबको अपॉन 1 में लिख दिया है सारे नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में है सारे नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में है जहां पर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 1 है 1 हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए कंडीशन के लिए Rational numbers की condition के लिए 0 नहीं है. So, any integer can be written in the form of p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. Coming to the fourth part, root 48 upon root 3 is rational, but root 48 and root 3 are irrational. सबसे पहले root 48 और root 3 की बात करते हैं. अगर आप root 48 को देखें, देखिए 48 कब मिलता है? 16 into 3 पे. यानी कि 2 to the 4 to the 8
टू ज़ा 16, थ्री ज़ा 48. अगर मैं रूट ऑफ 48 की बात करूँ तो मैं पेयर्स ले लूँगा, 2 इंटू 2, 3 अकेला बचता है जिसके पास पेयर नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा 4√3. यहाँ पर रूट का नंबर आ रहा है, सो 4√3 रूट का नंबर आ रहा है. रूट 48 इज इरेशनल. रूट 3 हमें पता है कि ये भी इरेशनल होता है. लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, रूट 48 अपॉन रूट 3 विच इज 4√3 अपॉन रूट 3, सो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर मिलता है 4 विच इज रैशनल.